आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि आखिरकार अंडर 14 के ट्रायल्स कब होंगे। खासकर राजस्थान से सबसे ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि अंडर 14 के ट्रायल्स कब होंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अंडर 14 के ट्रायल्स कब होंगे, BCCI कब ऑर्गेनाइज कराएगा अंडर 14 के ट्रायल। तो पहले मैं यूपी के बारे में बात करूँगा। देखिए, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर 14 के ट्रायल्स हो चुके हैं, लेकिन वही ट्रायल दे पाएंगे यूपी में इस साल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे। तो क्लियर हो गया कि अगर आप यूपी से हो, अगर प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है आपने, तो अब आपके पास चांसेस नहीं है। अगर प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, अगर हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स अभी बच गए हों। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल हो चुका है जौनपुर, और कुछ डिस्ट्रिक्ट वाराणसी वहाँ के भी ट्रायल्स हो चुके हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल हो गए हैं, हाँ कुछ के बचे हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि अंडर 14 के कुछ के बचे हैं। अब हम आ गए राजस्थान पे। देखिए, अंडर 14 के ट्रायल्स तब होते हैं जब BCCI के टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है। तो 2023 में अंडर 14 का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, मतलब 2024-25 में होंगे अब अंडर 14 के मैचेस। तो राजस्थान में मे भी हो सकता है कि दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में आए। जनवरी फर्स्ट में किस लिए आ सकता है, या दिसंबर लास्ट में इसलिए आ सकता है क्योंकि BCCI हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में कराए। जब BCCI का शेड्यूल अंडर 14 का एक ही टूर्नामेंट होता है BCCI का, जब उसका शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा उसके बाद ही ट्रायल्स होंगे। तो अभी BCCI का शेड्यूल अनाउंस नहीं है। तो राजस्थान से हैं, अगर आप ट्रायल देना चाहते हैं तो आपको अपने कोच से और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट बनाए रखना होगा। और अभी तो 10-15 दिन में तो ट्रायल है नहीं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर स्टार्टिंग में आ जाए या जनवरी स्टार्टिंग में। तो क्योंकि अभी BCCI का अंडर 14 का शेड्यूल नहीं आया है, अंडर 16 का शेड्यूल आ चुका है। दिसंबर से मैचेस हैं, तो 2 महीने 1 महीने पहले ही टीम बनाई जाती है, तो वो भी ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अंडर 19 के भी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, तो क्वार्टर फाइनल तक हो चुका है, तो अंडर 19 के भी ट्रायल्स नहीं होंगे। तो सिर्फ बचा हुआ है अंडर 14 का, वो मे बी 2024 तक जा सकता है राजस्थान के लिए। बाकी अदर स्टेट का अलग प्रोसीजर है, वहाँ जहाँ लीग्स बेस्ड होते हैं वहाँ लीग मैचेस स्टार्ट हो गए होंगे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट का होता है वहाँ भी हो चुका होगा। क्योंकि राजस्थान में स्पॉट ऑन द स्पॉट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब ट्रायल के दिन भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रायल दे सकते हैं। इसीलिए राजस्थान में ट्रायल्स लेट होते हैं कि जब टूर्नामेंट बनने से 1 महीने या 1.5 महीने पहले ट्रायल्स होते हैं, टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस होने से पहले। अब सपोज कीजिए, अगर BCCI का अंडर 14 का टूर्नामेंट फरवरी में होगा, जनवरी में होगा, तो ट्रायल्स दिसंबर लास्ट में होंगे। इसीलिए अंडर 14 के ट्रायल्स लेट हो रहे हैं। तो अगर राजस्थान से हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से टच में जरूर रहें, या न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते रहें, क्योंकि राजस्थान का ट्रायल का अपडेट जो आता है न्यूज़पेपर से आता है। उम्मीद है कि आपके जो मैसेजेस आ रहे थे या कमेंट में आ रहा था कि अंडर 14 के बारे में वीडियो नहीं बनाई, पहले भी हमने बनाया है, लेकिन ये भी बनाकर क्लैरिफाई कर दिए हैं कि अंडर 14 के ट्रायल्स कब होंगे। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप हमसे पूछ ही सकते हैं। और हाँ, ज़रूर इंस्टा पे हमारे साथ जुड़ें। कैसे जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में।